भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई द्वारा आयोजित स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान के जिला कार्यशाला का आयोजन बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने किया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यशाला में स्वास्थ्य स्वयं सेवकों को कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इस संबंध में भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री और अभियान प्रमुख सुनील गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की टीम अपने अपने मंडलों के सभी गांवों में निगरानी समितियों के साथ मिलकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराएंगे, कोरोना से बचाव के साधनों की उपयोगिता को बताएंगे, मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी इत्यादि साधनों के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले घरेलू उपायों को लोगों के बीच साझा करते हुए कोरोना के संक्रमण के खतरे से बचाव में योग प्राणायाम को नियमित कराने हेतु लोगों को जागरूक करेंगे। इसके बावजूद अगर कोरोना के संक्रमण से कोई प्रभावित होता है तो स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की टीम संक्रमित व्यक्ति से लगातार संवाद स्थापित कर उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। कार्यशाला के संबंध में भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने बताया कि जिले के सभी मंडलों में स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की टीम बनाई गई है। प्रत्येक मंडल में 4-4 प्रमुख लोगों को रखा गया है। टीम में एक डॉक्टर, मंडल संगठन से एक महिला व मंडल आईटी संयोजक और मंडल पदाधिकारी शामिल हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सभी मंडलों की कार्यशाला 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच कर ली जाएगी। स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की टीम कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पूरी सुरक्षा एवं तैयारी के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। कार्यशाला में भाजपा के जिला महामंत्री सबल सिंह पालीवाल, जिला मंत्री एवं अभियान की जिला सह संयोजक मंजू सिंह, आईटी विभाग के जिला संयोजक एवं अभियान सह संयोजक इंद्र कुमार निगम, डॉक्टर एल एन सिंह, जिला मीडिया प्रभारी के एम मजवार, राजेश चौबे, अभिषेक वर्मा, अवलेन्द्र त्रिपाठी, उमेश जायसवाल, अजीत तिवारी, शुभम सिंह पालीवाल, रजनीश पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभियान प्रमुख व क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता और भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा। साथ में इस कार्यक्रम में उपस्थित हर मंडल में जो संयोजक के रूप में इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और उसी सहभागिता के रूप में हर मंडलों से हमारे 4-4 कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं, जो आने वाली लहर में आज यहाँ प्रशिक्षण हो रहा है। 10 तारीख को लखनऊ में प्रशिक्षण हुआ। हमारे जिले से 5 लोग गए थे, सह संयोजक, संयोजक और सह संयोजक के रूप में आपके मंच पर बैठे हुए हैं। ये लोग प्रशिक्षण लेकर के आपके बीच में आए हैं। आगामी योजनाएं क्या है, अभी नरेंद्र जी ने आप सभी को बताया है कि मंडलों में भी बैठकें होती हैं, तिथि और समय सब निश्चित हो गया है, सब आप सभी के बीच में रखा जाएगा। लेकिन आज का ये बैठक, आज का ये प्रशिक्षण जो शुरू हो रहा है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सभी की है, आप सभी के कंधे पर है। संगठन ने भरोसा किया है कि हमारे कार्यकर्ता आगामी तीसरी लहर को रोकने का काम करेंगे, समाज को इस कोरोना से बचाने का काम करेंगे। उसके बारे में डिटेल जानकारी, विस्तार जानकारी आज के मुख्य अतिथि गोरखपुर क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय सुनील गुप्ता जी आप सभी के सामने रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस समय सभी जनपदों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान की कार्यशाला हो रही है, उसी के निमित्त गोरखपुर जनपद की एक कार्यशाला क्षेत्रीय कार्यालय पर आहूत की गई है,
इस कार्यशाला के माध्यम से प्रत्येक गांव में एक कार्यकर्ता, एक अपना जो मातृशक्ति से एक अपनी एक कोई एक बहन जिसको महिला के नाते, महिला कार्यकर्ता के नाते हम लोगों ने नाम दिया है, और एक चिकित्सक और एक जो आईटी, हर मंडल में एक चिकित्सक, एक आईटी, एक अपने मंडल इकाई के कोई कार्यकर्ता, और एक जो है वो महिला मोर्चा से एक अपनी बहन, ऐसे चार लोगों का एक समूह बनाया गया है। इन लोगों को जो है आगामी समय में जो थर्ड वेव की बातें कही जा रही हैं कि कोरोना की तीसरी वेव आने वाली है, जो बच्चों पर ज़्यादा घातक होने की जो संभावना व्यक्त की जा रही है, उसको जो है ध्यान में रखते हुए, उसको नोटिस लेते हुए हम लोगों ने जो है, पार्टी ने जो है ऐसा निर्णय किया है कि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो जाए। कार्यकर्ता डॉक्टर बनकर के वहाँ नहीं काम करेंगे, बल्कि जो है जानकारी लेकर के जो है प्राथमिक दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को जो है इस अभियान को, इस कार्यशाला को नीचे विकेंद्रित करते हुए जो है मंडल स्तर पर, फिर जो है वो गांव तक जो है इस कार्यशाला को हम संपन्न करेंगे। थर्ड वेव की जो जहां तक आने की जो संभावना है, उसके आने के पहले हम अपने को जो है पूरी तरीके से कंप्लीट तैयार कर चुके रहेंगे, ताकि यदि ईश्वर न करे कि इस प्रकार की कोई वेव आए, अगर इस प्रकार की वेव आती है वेव, तो हम उसको सामना करने में कैसे अपने को मिलकर पत्थर साबित कर सकते हैं, कैसे हम उसको हम सफल हो सकते हैं उसको फेस करने में, लोगों को समझाते हुए, गांव में जो है लोगों को जागरूक करते हुए, यहाँ तक कि घर घर जो है संपर्क करके जो है घर के प्रत्येक सदस्यों को जागरूक करने की इस अभियान कार्यशाला के माध्यम से पार्टी की योजना है, ताकि जो है हम जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने, जिनका अथक प्रयास रहा है, जिस प्रयास के नाते WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहना किया माननीय मोदी जी की, उत्तर प्रदेश की सरकार की, तो सराहना ऐसे ही नहीं हुई है, हमने काम किया, संगठन ने काम किया, सरकार ने काम किया है, वहीं विपक्ष के लोगों ने जो है बिना कुछ सोचे समझे जो है देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए जो है जहाँ तक संभव हो सका है उन लोगों ने जो है कुत्सित प्रयास किया है, जिसका हम खंडन करते हैं, जिसकी हम घोर आलोचना करते हैं। जब राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा कि मुफ्त वैक्सीनेशन की बात उन्होंने कहा, उनको जो है जानकारी होना चाहिए कि निःशुल्क वैक्सीनेशन देश में शुरू से ही चल रहा है, शुरुआत भी हुआ, चल भी रहा है, आगे भी जब तक कि जो है ये वैक्सीनेशन का काम चलेगा, मुफ्त ही चलेगा जो है। वे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके, सेंटेंस का प्रयोग करके देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता इस बात को भली भांति समझती है। आने वाले समय में राजनीतिक दृष्टि से जनता को जो जवाब देना होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस दल से बिलोंग करते हैं, जनता जवाब देगी। देखिए, कोरोना की जो तीसरी लहर है, ईश्वर ना करें तो तीसरी लहर आए, लेकिन तीसरी लहर को बचाव के लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य स्वयं सेवक के रूप में नियुक्तियां की हैं, जो आने वाली लहर को, जो प्रशिक्षण हो रहा है, प्रशिक्षण में जो बातें उस लहर को बचाने के लिए आएंगी, उस सब कार्यों को करते हुए अपने ज़िले को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समाज को, अपने देश को बचाने का कार्य करेंगे। इसी उद्देश्य से आज की ये बैठक संपन्न हो रही है।